नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आरबीसी ओनली यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 16 और 17 सितंबर 2019 के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस को। दोस्तों, सबसे पहले हम जिस न्यूज़ पे डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, ये संबंधित है अरामको कंपनी से। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में सुर्खियों में रही अरामको कंपनी का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है सऊदी अरब से। दोस्तों, अरामको कंपनी सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी है और ये सुर्खियों में दोस्तों इसलिए हैं क्योंकि जो इस पर हाल ही में ड्रोन हमला हुआ है और ये ड्रोन हमला जो किया गया है वो किया गया है यमन देश के जो हुती विद्रोही हैं उनके द्वारा, जो अरामको कंपनी पे ड्रोन हमला किया गया है ताकि जो सऊदी अरब हैं उसको नुकसान पहुँचाया जा सके। और इस हमले में जो अरामको कंपनी है उसकी 50% तक की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इफेक्टेड हुई है और इसका जो असर है पूरे विश्व पर देखने को पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा जो असर है वो भारत पर, भारत जैसे जो तेल का आयातक देश है उन पर ज़्यादा असर हो सकता है क्योंकि उत्पादन घटेगा तो जो आप कह सकते हैं जो सप्लाई चैन है उसमें दिक्कत आएगी। इससे जो क्रूड ऑयल है वो महंगा हो जाएगा और क्रूड ऑयल महंगा होने की स्थिति में भारत पर असर पड़ेगा। भारत की जो इकोनॉमी है ऑलरेडी, जो भारत की जीडीपी है वो अवमंदन की स्थिति से गुजर रही है। इस स्थिति में अगर क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा तो कई कंपनियां क्रूड ऑयल का कम यूज करेगी, प्रोडक्शन को घटा देगी और जो भारत का व्यापार घाटा है वो भी बढ़ेगा, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा हो सकता है। साथ ही ये जो सिचुएशन हुआ है, हमला हुआ है, इसके बाद ईरान अमेरिका, ईरान सऊदी अरब और इजराइल का जो इस मिडिल ईस्ट क्षेत्र में है वो तनाव बढ़ सकता है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट क्षेत्र में जो है सऊदी अरब, अमेरिका और इजराइल एक ग्रुप में माने जाते हैं जबकि ईरान, सीरिया, यमन ये एक ग्रुप में माने जाते हैं। तो इससे मिडिल ईस्ट में वापस से वो जो 1992 के आसपास खाड़ी युद्ध में जो स्थिति आई थी वैसी स्थिति आ सकती है और इससे आप कह सकते हैं भारत पे इसका जो असर है वो लॉन्ग टाइम तक भी जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट खबर है हमारे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली न्यूज पर आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट खबर है, ये समझते हैं पंकज आडवाणी से। पंकज आडवाणी दोस्तों आपको पता है वेल नोन खिलाड़ी हैं। पंकज आडवाणी ने हाल ही में म्यांमार में जो IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, उस चैंपियनशिप में उन्होंने फाइनल जो मैच था जो म्यांमार के नाए थावे ओ हैं उनके खिलाफ खेला और इस मैच में उन्होंने नाए थावे ओ को हराया और ऐसा करके उन्होंने इस बार का जो बिलियर्ड्स चैंपियनशिप है वो जीत ली और ये उनका 22वां वर्ल्ड खिताब है, यानी कि 22वीं बार वो वर्ल्ड चैंपियन बने। तो सोचिए दोस्तों कितना बड़ी उपलब्धि है और एग्जाम में पूछा जा सकता है जो हाल ही में मतलब जो ये पंकज आडवाणी ने टूर्नामेंट जीता है उनके कौन सा वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब था, तो 22वां ये कहाँ पर आयोजित की गई, म्यांमार में, फाइनल में उन्होंने किसको हराया, नाए थावे ओ को। तो ये ऐसे कई सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। अगली न्यूज़ पर आते हैं दोस्तों, ये समझते हैं नॉर्मन लियर से। पहले थोड़ा सा नॉर्मन लियर के बारे में जान लेते हैं। ये अमेरिका के बहुत ही जाने पहचाने टीवी प्रोड्यूसर राइटर हैं। उन्हें हाल ही में प्रतिष्ठित जो अवार्ड है एमी अवार्ड उससे सम्मानित किया गया है और एमी अवार्ड पाने वाले नॉर्मन लियर सबसे उम्रदराज है, यानी कि सबसे ज़्यादा एज्ड पर्सन है। 97 उम्र, जो कह सकते 97 वर्ष की आयु में उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है और इन्हें जो ये पुरस्कार प्रदान किया गया वो आउटस्टैंडिंग वैरायटी स्पेशल कैटेगरी में प्रदान किया गया, आउटस्टैंडिंग वैरायटी स्पेशल कैटेगरी में। उन्होंने कई टीवी सीरियल बनाए हैं जैसे ऑल इन द फैमिली, द जयपर सन्स, तो ये काफ़ी वेल नोन और पॉपुलर टीवी शो रहे हैं नॉर्मन लियर के। हमें इतना ध्यान रखना है कि सबसे उम्रदराज बने और एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया और अमेरिका के रहने वाले हैं। अगली न्यूज़ पर आते हैं दोस्तों, इसके लिए अगली स्लाइड पर आएंगे और ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये सम्मानित हैं एसएज से। दोस्तों आप जानते हैं एसएज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य प्रत्येक 2 साल से आयोजित की जाने वाली एक बहुत ही प्रतिष्ठित टेस्ट चैंपियनशिप है और इसके तहत 5 टेस्ट आयोजित किए जाते हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में और इस बार की जो एसएज हुई वो इंग्लैंड में हुई और ये 2-2 से बराबरी पर जो संपन्न हुई। प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो अवार्ड प्रदान किया गया वो स्टीवन स्मिथ और ब्रैन स्टॉक्स दोनों को प्रदान किया गया। दोनों ने पूरे थ्रू आउट द सीरीज डोमिनेट किया अपनी अपोजिशंस पे। जो एसएज हैं वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मध्य होते हैं, ये थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। इस बार 2-2 से ड्रॉ रही और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा, ऐसे के सवाल पूछे जा सकते हैं, एसएज से सवाल पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। आते हैं दोस्तों अगली न्यूज पर। ये एक तरह से कह सकते हैं कंटेंट हैं जो कई तरह की न्यूज़ में हमारे काम आता है। दूसरे से आपको पता है कि हमारी जो जीडीपी है वो उसकी जो ग्रोथ रेट वो डाउन होती जा रही है, देश में अवमंदन की स्थिति है, तो इससे रिकवरी के लिए सरकार ने ऑलरेडी कई प्रयास किए हैं, कल भी एक प्रयास किए हैं, तो उसी प्रयास को
क्या समझते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम है, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम यानी कि वह संस्था जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो निर्यातक हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको ऋण देती है, उनको लोन देती है, उसमें भारत सरकार ने 8,500 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, उसको दिए हैं ताकि वो निर्यातक को दे सके, एक्सपोर्टर्स को दे सके। तो एक्सपोर्टर्स को अगर पैसे आएंगे एक्सपोर्टर्स के पास, सबसे पहले देखो सरकार ने पैसे दिए भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम को, और ये जो निगम होगा ये जो पैसे देगा एक्सपोर्टर्स को देगा, एक्सपोर्टर्स के पास पैसे आएंगे तो वो अपनी इंडस्ट्रीज और लगाएंगे, इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा और फिर इकोनॉमी में कैश बढ़ जाएगा। और दूसरा ये है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके पास पैसे आएंगे, वो अपने उद्यम लगाएंगे, तो इससे भारत का जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेगा और बाद में विदेशी मुद्रा की आगमन होगा। तो ये और भी कई प्रयास किए सरकार ने हाल ही में, आपको पता ही है जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा 32 कई फैसले किए गए, बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, और भी जो प्रयास किए गए हैं वो आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। हमने जो अपने DNA में समय समय पर उन्होंने डिस्कस किया है, फिर भी आप एक साथ अगर आपको याद है तो आप एक साथ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस यहीं समाप्त होता है। इसको सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।